करने वाले हम सामाजिक विज्ञान, वो भी क्लास 9th का, और वर्कशीट नंबर है हमारा 28 और इसे सबमिट कब करना है 14 सितंबर से पहले पहले। तो चलो फिर इस वर्कशीट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ये कुछ राइट्स हैं, भारत का संविधान है, ये आप लोग खुद से पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप लोग जब तक ये पॉइंट्स खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न नहीं होगा, तो मेरा करवाने का पर्पस बस इतना ही है कि आप लोग आंसर अपना एक्यूरेट लिखो और आप लोग खुद से ही पढ़ो, ताकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स अच्छे बने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है, मतलब कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, वो आप लोगों को बताना है इसमें कि आप लोग उसे क्या समझते हैं। ठीक है, चलो फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये सिंपल सा आंसर है, आप लोग इसे लिखो और फटाफट इसे कंप्लीट करो। ओके, तो फिर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, मतलब लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, हमारा देश भारत है। तो आप लोग ऐसे भी बना के लिख सकते हो, और फिर लोकतांत्रिक शासन में क्या व्यवस्थाएँ होती है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। तो आप लोग ये आंसर लिखो फटाफट, आप लोगों को जो मैं आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ छोटा सा ही नोट्स है, आप लोगों के लिए बेनिफिट है मार्क्स के लिए। ठीक है, चलो फिर इसे आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है, मतलब कि संविधान जो है उसमें किसी भी नियम के बारे में बुनियादी, मतलब कि बेसिक इम्पोर्टेंस बतानी है हमें इस क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग सिंपल सा लिख लो, कोई ज़्यादा बड़ा मत लिखना, क्योंकि आप लोगों का बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं वर्कशीट में, तो बस आप लोग अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप लोग ये आंसर प्रोवाइड कर दो। नंबर फोर्थ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या पूछ रहा है, भारत के भारत पथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे निरपेक्ष राज्य जो भी है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, और वो क्यों कहलाता है, वो ऐसा क्या है कि उसको निरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो चलो फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट हाँ, इस आंसर तो लिख रहे हो आप लोग, बट आंसर लिखते लिखते आप लोग एक बार ही अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना। ओके, तो चलो फिर ये रहा आप लोगों के सामने आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और ये हमारा वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट मार के हम अपने वर्कशीट को सबमिट कर देते हैं। जो हमारा इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, मतलब कि समानता, मतलब कि राइट्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है कि हर एक इंसान को इक्वल, सरकार के नज़र में हर एक इंसान इक्वल है, कोई भी इंसान छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई कुछ भी नहीं है, ये यही होता है हमारा समानता का अधिकार, या फिर इसे बोलते हैं राइट्स ऑफ इक्वलिटी। तो आप लोगों का इसका आंसर भी छोटा सा ही है बट कॉन्सेप्शनल है, तो आप लोग इसे फटाफट लिखो और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सबमिट कर दो। ओके, फिर चलो फिर इस क्वेश्चन का भी हम आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा।